नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि मार्केट में डीजल बाइक क्यों नहीं आई? अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक बाइक भी आ गई, इलेक्ट्रिक स्कूटियां भी आ गई और पेट्रोल बाइक भी मार्केट से काफी पहले चल रही है मार्केट में, लेकिन आपने सोचा है डीजल बाइक क्यों नहीं आई? कभी इस पर गौर किया है? और जबकि पेट्रोल से तो डीजल अच्छा खासा सस्ता भी है, पर डीजल बाइक क्यों नहीं बनी आज? इसके बारे में आज अपन जानेंगे। आइए देखते हैं कि डीजल गाड़ी, डीजल बाइक मार्केट में क्यों नहीं आई। देखिए, नंबर 1, डीजल इंजन का अनुपात 24.1 होता है, पेट्रोल इंजन का अनुपात 11.1 होता है। डीजल इंजन का रेशियो ज्यादा होने की वजह से यह काफी बड़ा होता है। अगर इससे बाइक बनती है तो काफी बड़ी बनेगी, जो ठीक नहीं होगी। डीजल इंजन का अनुपात 24:1 है और पेट्रोल इंजन का अनुपात 11:1 है। अगर इससे अगर बाइक बनेगी डीजल से, तो काफी बड़ी बनेगी और वो कस्टमर के हिसाब से सेफ नहीं होगी। इसलिए इसका अनुपात, इसका रेशियो, डीजल इंजन का रेशियो थोड़ा ज्यादा होने की वजह से ये बाइक नहीं बनती है। सेकंड इसका कारण है, डीजल इंजन में वाइब्रेशन ज्यादा होता है और आवाज भी पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा करता है। डीजल इंजन है ना, वो वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा करता है और उसकी आवाज भी पेट्रोल के इंजन से थोड़ी ज्यादा होती है। इसीलिए एक ये कारण भी है कि डीजल बाइक आज दिन तक मार्केट में नहीं आई है। थर्ड इसका रीजन ये है, यह काफी महंगा पड़ता है, साथ ही इसमें एयर पर के लिए टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर आदि का इस्तेमाल होता है, जिसकी लागत काफी ज्यादा होती है। डीजल इंजन के लिए इसमें एयर पर के लिए टर्बो चार्जर और सुपर चार्जर का इस्तेमाल होता है, जो काफी महंगा पड़ता है। अगर आप डीजल इंजन की अगर बाइक बनाएंगे तो पेट्रोल इंजन के बनिस्पत डीजल इंजन की बाइक काफी महंगी पड़ेगी, जो कोई भी लेना पसंद नहीं करेगा कस्टमर। इसीलिए डीजल इंजन की बाइक अभी तक मार्केट में नहीं आई है। फोर्थ रीजन ये है, डीजल इंजन में पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा एनर्जी होती है। जब डीजल जलता है तो ज्यादा हीट निकलती है और इससे इंजन और सिलेंडर के पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए इस हीट को कम करने के लिए ग्रेटर सरफेस एरिया और कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना होता है। इस वजह से इंजन काफी बड़ा हो जाता है, इसीलिए बाइक में नहीं लगाया जाता है। फोर्थ रीजन यह है कि डीजल इंजन में पेट्रोल के मुकाबले ज्यादा एनर्जी होती है। जब डीजल इंजन जलता है ना, तो उसमें ज्यादा हीट निकलती है और इस हीट को कम करने के लिए ग्रेटर सरफेस एरिया और कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता है। अगर ये दोनों चीजें अगर आप डीजल इंजन वाली बाइक में लगाएंगे, तो डीजल इंजन काफी बड़ा हो जाएगा और जब ये बड़ा हो जाएगा तो जो उस बाइक में सेट नहीं होगा, बाइक में सेट नहीं होगा तो बाइक बनेगी नहीं। तो ये फोर्थ रीजन है कि इस कारण से मार्केट में अभी तक डीजल इंजन की बाइक नहीं आई है। अगर ये फोर्थ रीजन नहीं होते तो डीजल इंजन वाली बाइक कभी भी मार्केट में आ जाती। तो आज अपन ने देखा कि मार्केट में पेट्रोल बाइक आ गई हैं, इलेक्ट्रिक बाइक आ गई हैं, लेकिन डीजल इंजन की बाइक क्यों नहीं आई है, ये रीजन है, इसीलिए डीजल इंजन की बाइक नहीं आई। इसी के साथ आज यही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा।